माननीय पीयूष पंडित साहब यांना विनंती करतो, ते आपल्याला संबोधित करतील. पर्यावरण तसंच शिक्षण तज्ज्ञ आहेत, दोन्ही विषयांमध्ये त्यांचं महत्वपूर्ण मुलाचं मार्गदर्शन असतं. आदरणीय गुरुजी को सादर चरण स्पर्श. आज जीवन में पहली बार है कि मैं एक ऐसे मंच पर हूँ जो साधु संतों के द्वारा बनाया गया मंच और दुनिया भर के विज्ञानियों, दुनिया भर के ज्ञाताओं के बीच में SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परिभाषा को उन्मुक्त करते हुए ये मंच सुशोभित है, जो पूरा प्रांगण चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो. इसलिए गुरुजी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूँ. मेरा नाम पीयूष पंडित है, मैं प्रतापगढ़ में जन्मा हूँ. प्रतापगढ़, जहाँ से कृपालु जी महाराज, कारपात्री जी महाराज जैसे संतों का समागम हुआ और लालन पालन, मेरी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है. और मेरा सौभाग्य देखिए कि मैं आज 3 नदियों के संगम यानी कुंभ क्षेत्र से पंचगंगा की धरती पर आया हुआ हूँ. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग स्वयं के लिए भी एक बार तालियां करें. भारत देश युवाओं का देश है. मुझे निवेदन किया गया है, आदेशित किया गया है गुरुजी के द्वारा कि मैं युवाओं पे बात करूं. युवाओं के देश में युवाओं के ऊपर चर्चा करना आज हमारा ये दुर्भाग्य है कि उनकी जीवन शैली, उनके करियर की बातें, उनको किस प्रकार से ऊपर किया जाए. एक युवा होने के नाते अभी एक हमारे यहाँ ज्ञानी, हमारे बड़े भाई जिस प्रकार बोल रहे थे कि युवाओं को खेती के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहिए, एज अ करियर अडॉप्ट करना चाहिए. यहाँ पे बैठे हुए सभी युवाओं, सभी संत महात्मा के साथ साथ हमारे जितने भी स्पीकर्स वक्ता हैं यहाँ पर, मैं उन सब से ये प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि क्या किसान स्वयं आज भारत देश में खेती कर प्रसन्न है, खुश है? सभी का एक स्वर में उत्तर होता है या नहीं. तो युवा कैसे उस चीज को अडॉप्ट कर सकता है? हमें किसानों की स्थिति पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च, जिस प्रकार से गुरुजी का आश्रम कर रहा है, मैंने देखा यहाँ की कृषि विज्ञान केंद्र भी खुला हुआ है, नई नई चीजों का नवाचार करना खेती में, ये सबसे अच्छा तरीका है कि युवाओं को खेती के प्रति तभी आप प्रभावी रूप से उनके नियमों को, उनकी इच्छाओं को या फिर उनके करियर को लगा सकते हो, जब खेती में यानी जो पहले से खेती कर रहे हैं किसानों को पूर्णतः सम्मान मिले उनकी खेती का. आप पीछे जमाने में जाके देखिए, खेती यानी कि आपके पास धान है, गेहूं है, दाल है, चावल है या किसी भी प्रकार का फल फ्रूट से उसके माध्यम से दूसरी अन्य वस्तुएं प्राप्त की जाती थी, तब किसान को सम्मान मिलता था. आज किसान के लिए खाद की देखिए बिक्री, आज खेती करने के लिए ट्रैक्टर की बिक्री देखिए, जिस प्रकार से चीजों का एक विदेशीकरण हुआ भारत देश में और सभी किसानों ने अपनी स्थिति को गवाई है. किसी विज्ञान केंद्र खोलने के पीछे जो गुरुजी का लक्ष्य है, जो मैं एक दो दिन से यहाँ रुक के प्रवास करके समझने का प्रयास किया, वो यही है कि आप कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे कर सकते हैं. और आपके पास अगर 12 महीने होते हैं तो आपका खेत 12 महीने किस प्रकार से हमेशा बिजी रहे, खेत आपका बिजी होना चाहिए, प्लस उसमें किस प्रकार की खाद्य व्यवस्था देनी होगी, जैविक खाद को किस प्रकार से प्रमोट करना होगा, इन सभी स्थितियों को अगर आम आज के किसानों के प्रति हम लोग इसको ले जाकर रखते हैं, गांव-गांव रखते हैं, एक एक कस्बे में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आज का युवा खेती के प्रति अपनी स्वयं की इच्छा से जाके कुछ खेती के लिए अपना एज अ करियर चूज करने की बात करेगा. दूसरी बात पर्यावरण की बात होती है. आज ये पहला आश्रम मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पे पंच महाभूत यानी कि पांचों तत्वों की चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ बुलाए गए हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं. और जो वक्तागण यहाँ पे बैठे हैं निश्चित तौर पर इस बात को लेके सहमत होंगे कि पहली बार किसी आश्रम के माध्यम से हम लोग इस प्रकार का सम्मेलन देख रहे हैं. व्यक्तिगत मेरे जीवन में ये पहली बार है कि मैं किसी भी आश्रम में अध्यात्म के अलावा, गौ सेवा के अलावा, सांस्कृतिक विरासत के अलावा, हम अपने क्लाइमेट एक्शन की बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम अपनी धरती को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं. सबसे महत्वपूर्ण आजकल युवाओं को ये है कि वो 2-3 चीजों पे विशेष ध्यान दें, जहां तक मेरा ये व्यक्तिगत विचार है. अगर वो अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपनी स्टडी पे ध्यान दें, पढ़ाई विद्वान बनने के लिए करें, सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं। आज के कुछ सालों पीछे आप चले जाएं, जब हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा चलती थी तो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं किया करता था, कोई डॉक्टर बनने की पढ़ाई नहीं करता था। और अगर उससे भी पीछे चले जाइए तो अपने ही देश में आर्यभट्ट हुए हैं, अपने ही देश में सबसे पहले शल्य चिकित्सा का अनुदान हुआ है, जो पूरे विश्व के माध्यम से आज हम लोग मेडिकल साइंस के रूप में देख रहे हैं। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ खगोलविद की बात होती है, हमारे यहाँ सौर ऊर्जा, सूर्य की दूरी, सभी ग्रहों की पूरी चाल, जब विश्व इस तलाश में था कि क्या धरती भी घूमती है, तो भारत देश में पंचांग लॉन्च हो चुका था, वो भी हमारे संत महात्माओं के द्वारा। तो हमारी जो वैचारिक शक्ति रही है वो बहुत मजबूत शुरू से रही है, लेकिन आज आधुनिकता के दौड़ में हम लोग अपनी ही चीज़ें छोड़ते हुए चले जा रहे हैं और हमारी ही चीज़ें बाहर के लोग आके अडॉप्ट करके अपने देश में पेटेंट करा के फिर से हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, और हम उसको एक ब्रांड वैल्यू समझ के हम नाचने की आगे कोशिश कर रहे हैं। युवाओं के लिए उद्बोधन में सिर्फ ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार का ब्रांड आप स्वयं बने, खुद को ब्रांड बनाने की कोशिश करें। महंगी रोलेक्स की घड़ी पहनने से आप ब्रांड नहीं हो सकते, अच्छा ब्लेजर डाल लेने से आप ब्रांड नहीं हो सकते, बल्कि आप जिस चीज को अपने शरीर पे डालो वो ब्रांड बन जाए, उसे युवा कहते हैं। और ये भारत देश के युवाओं में ही संभव है कि हम लोग ये चीज कर पाए। ये विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, लेकिन उसके साथ ये सच्चाई है, विश्व का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉय देश भी भारत ही है। यहाँ के युवाओं को अच्छा मौका, अच्छी मौके की तलाश, अब ये सरकारों से या किसी के दया भाव से सोचने की जरूरत नहीं है। युवा अगर बड़ा हुआ है तो उसको बस तीन चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले विश्व की सबसे बड़ी समस्या को देखो और उसके अनुदान यानी उसको उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करो, ये सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। विश्व में आप सबसे बड़ी समस्याएं जिस दिन से खोजना शुरू करेंगे और उसके हल की कोशिश करना शुरू करेंगे, एक दुनिया आपके इस कार्य को सराहेगी और लोहा मानेगी। दूसरी बात, लोगों की जरूरतें खोजो। जिस प्रकार से कृषि की बात हो रही है तो किसानों की जरूरतें खोजो, हम यहाँ पे आने की बात हुई है तो लॉजिस्टिक की चीज़ें खोजो और उस पर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो, यानी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग डालने की आदत डालिए। अगर युवा खुद अपना कार्य अपने द्वारा करना शुरू करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में हो, चाहे दुनिया में शोध विज्ञान की बात हो, या फिर किसी भी प्रकार की खोज, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बनाने की आप कोशिश डालेंगे, तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को कोई भी फेल नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत सारे डेटा हैं बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पे मंच पे ये कहा गया है कि आप ज़्यादा देर तक समय लेना उचित नहीं है। गुरुजी का सानिध्य मिला और युवाओं के प्रति बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सपने देखना शुरू करें, अपने को ब्रांड बनाने की कोशिश करें, अपनी अहमियत को तवज्जो देना शुरू करें और कुछ न कुछ, इस देश में जन्म हुआ है तो यहाँ पे अपना कुछ ऐसा योगदान देकर जाएं कि जन्मों जन्मांतर तक आपको लोग याद करें। आज आज़ादी की बात होती है तो युवाओं का कितना बड़ा महत्व रहा है, आप लोगों ने भगत सिंह का नाम सुना होगा, आप लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम सुना होगा, आपने मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा। ये नाम तभी आज आप फिर से इस मंच के माध्यम से मेरे जैसे बहुत सारे वक्ताओं के माध्यम से सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ योगदान अपने राष्ट्र के लिए दिया है। तो कुछ न कुछ खोज करके उसको सही तरीके से सपने को इम्प्लीमेंट करके देश और दुनिया को देकर जाइए, यही युवा शक्ति का आह्वान है। और सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि दूसरों के सपने पे पलने से अच्छा है एक छोटा ही सपना छोटे ही समय में पूरा करिए, लेकिन करते जाइए, निश्चित तौर पे भारत फिर से उसी गौरव को प्राप्त करेगा। और सबसे बड़ी चीज, एक बार फिर से यहाँ की बात करता हूँ कि जब हम पंचमहाभूत लोकोत्सव में आए हैं, लोकोत्सव का मतलब है हमारा आपका उत्सव है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजर या फिर यहाँ पे कोई बहुत बड़ी सरकार की सेवा संकल्प नहीं है, ये हम लोगों का उत्सव है। हम लोग उत्सव इसलिए मना रहे हैं कि विश्व में भारत जिस प्रकार से मैक्सिमम चीज़ों को लीड करता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, हम अपने नेचर यानी कि पृथ्वी को किस तरीके से बचा सकते हैं उस पर विचार रखें। और इसका सही समय है क्योंकि SDG 2030 तक हमें पूरा करना है, जिसमें चाहे लाइफ अंडर विलो की बात हो, चाहे क्लाइमेट एक्शन की बात हो, चाहे फिर एडुकेशन की बात हो, या फिर किसी भी प्रकार की, क्योंकि पृथ्वी नहीं रहेगी तो किसी भी प्रकार का शोध हो, विज्ञान हो, आपकी सफलता हो, आपकी असफलता हो, वो सब बहुत दूर की बात हो जाती है। इसलिए नेचर पर सभी देश के लोगों को यूनाइटेड नेशन ने
आह्वान किया हुआ है कि सब लोग एक साथ जुड़कर 2030 से पहले अपने अपने देश के तरीके से क्लाइमेट एक्शन पे काम करें और रिपोर्ट जारी करें। मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पे आने का मौका दिया और आप सभी लोगों से मैं मुखातिब हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी हमारे सामने बैठे हैं, मलेशिया से आए हुए हैं, और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे मौका दिया। साथ ही मंच पे बैठे हुए सभी वक्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लोग दूर दूर से चल कर आए हैं। और गुरु जी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा एट द एंड ऑफ स्पीच कि अगर इस मिशन को आप लोग साथ देना चाहते हैं तो सबसे पहले ज्वाइंटली पेड़ लगाने का प्रयास करें। जहाँ भी हो, जिस कोने में आप इस धरती के हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, उत्तर प्रदेश से हों, महाराष्ट्र से हों, राजस्थान से हों, बिहार से हों, झारखंड से हों, या भारत में जितने भी राष्ट्र हैं, आप अपने क्षेत्र में क्षेत्र को हरा भरा बनाने की कोशिश करें। और एक कंप्लीट नॉलेज पुस्तिका मुझे इसी आश्रम में देखने को मिल रही है कि आप खेती को कितना अच्छा बना सकते हैं, युवाओं के लिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इसके साथ अध्यात्म के क्षेत्र में आप क्या काम कर सकते हैं। एक ही आश्रम, एक आइडियलिस्टिक मॉडल है यहाँ पे कि आप इसी चीज को उठाकर आप अपने क्षेत्र में ले जाके लगाने का प्रयास करें। तो अगर गुरुजी के इस प्रकल्प को आप आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं तो उस प्रकल्प में गिलहरी के योगदान के बराबर, जिस प्रकार राम सेतु में गिलहरी का योगदान आप लोगों को पता होगा, सिंपल उसी तरीके से अगर एक वृक्ष भी अगर आप लगा देते हैं गुरुजी के आह्वान पर, तो निश्चित तौर पर आपने अपनी भूमिका का निर्वहन क्लाइमेट एक्शन में दिया है। और अगर एक पेड़ भी लगाने में आपको संभव नहीं हो पा रहा है या फिर असफल हो रहे हैं, तो आज के इस कार्यक्रम को 10 लोगों तक पहुंचा दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं 10 में से 10 लोग 10-10 पेड़ जरूर लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।